रास्ते बहुत खतरनाक है पांग से। चुका है मोरी प्लेन्स, देखो एकदम से बीच में आ रहा था, खतरनाक है, सारी स्पीड खराब हो रहा था, तीन हो अलग अलग कलर के बना रखे, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा ना, यहाँ फोटो बड़ी अच्छी आएगी लोगों। ये मतलब ये दिखाती है कि इतने ऊंचे पहाड़ पे भी एक सीधी रोड बन सकती है। देखो दोनों साइड पहाड़ है और बीच में से रोड जा रही है, वो भी एकदम सीधी स्ट्रेट। तो साथ में जगह भी इतनी रखी है खुली। हाँ, दुनिया भर की खुली जगह है, मैदानी इलाका, पहाड़ में भी इतना खुला हुआ एरिया हो जाता है। देखो गाड़ी कहाँ चला रहा, ये इधर मैदानी इलाके में कैंपिंग करने में मजा आएगा। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं पांग, अब यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया पांग बस। हम मतलब वहाँ से ऊपर से उधर क्या आए थे तो कुछ दिखाने के लिए थानी सी रास्ता था, तो मैंने इसलिए उठाया नहीं गया अपना। अब हम पहुंचने वाले हैं पांग, वहाँ पर कुछ खाते पीते, सुबह से कुछ नहीं खाया। पहुंच गए हम पांग और यहाँ पर हम कुछ खाते पीते और फिर चलते हैं आगे। चलते हैं अभी यहाँ से पांग से खाना खा करके, यहाँ ज़्यादा दुकान है जो। अब हम देखते हैं कहाँ तक जाते हैं यार। ये रुके और ज़्यादा दुकान थी खाने के लिए, आपने वहाँ पहले ही रोक दिया ना। मैं सोचा नहीं होगी आगे, कोई नहीं, चलो अंडे खा लेते हैं, उसमें ना वो डाल के ठीक था, वो नमक डाल के ठीक था। अब यहाँ से सारा ऑफ रोडिंग वाला पैच चालू हो जाएगा। किस चीज़ का? मैं कहा आप एक बार छोड़ दे तो फ्रेंड खाते। अब देखते हैं कि क्या रोड ठीक कर दिया या फिर पैच वैसे ही है। अंडे भी ठंडे थे, वो पता नहीं क्या ठंडे ही रख रखे थे उन्होंने, हल्के से गर्म करे और उन्होंने दे दी। शेर ब्रिज अभी चढ़ना ऊपर पहाड़ पे 33 उसका नाम है शेर ब्रिज। खराब रास्ता, चर्चू नहीं आगे तक यहाँ मिलेगा, कम से कम 100 किलोमीटर किलोमीटर के आसपास जाइए। एवरेज निकलेगी नहीं, 20-25 की एवरेज। पूरा खराब रास्ता है, कभी बना ही नहीं है रास्ता ऐसा लगता है। इसको सोना सो जाना, मैं अपने मनाली नहीं होगा पार। अरे पूरी रात में क्यों नहीं पार होगा यार? नहीं बाबू नहीं, तुम सो आराम से, तो एक रेड बुल और मारूंगा 10 बजे सुबह। दिल्ली और
पापा दो पंग तो अभी लग गए, दो और लग जाएंगे तो पापा का ऊपर आवास ही रह जाएंगे उड़ा के। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह तो नहीं, कल शाम तक दिल्ली लगा दूंगा। अरे यार पहाड़ों से उतार के दे दो फिर तो मैं भी चला लूंगा। ये खाना पीना होटल बड़ा महंगा मिलता है, हम 25 रुपए की चीज महंगी, 10 रुपए एक्स्ट्रा। इन्होंने नहीं दिया पानी, दिया इन्होंने। अब क्या कुछ खाया तो ना, मैंने कुछ 900 रुपए का बिल बनाया। इन्होंने हमारी कह रहा हूँ मैं, रेड बुल कम से कम 150-200 रुपए के बीच में लाया। 100 रुपए की तो अपने तो जाती है, 100 के लिए आती है महंगी, 100 रुपए की तो आती है भाई, 110 की जाती है। ये जो छोटी छोटी बोतल लिया है 30 रुपए की लगाइए, 20 रुपए पानी की बोतल 30 रुपए की बहुत बड़ा हो गया। देखो आज भी यहाँ के पुल ऐसी हैं। और एक चीज देखो, मतलब झरना झरना वो जम गई, और ये तो पहाड़ है ना, ये खतरनाक लेवल वाले पहाड़ है, मतलब डराने वाले। बहुत गंदा रास्ता है बांग के बाद का ना, अभी तो थोड़ा रास्ता ठीक आया पैच, थोड़ी बहुत देर के लिए जाना है बढ़िया, अभी थोड़ी बहुत देर की खुशी है, फिर इसके बाद वापस से वो ही आएगा, कभी खुशी कभी गम चल रहा है। फिर वापस से पेट में हिचकोले होंगे ऐसे ही है ना, देखना ये देखो ऊपर देखो कैसे वाले पहाड़ है ना, एकदम सेक्सी पार्ट, डरावने, कोई ना डरे तो भी डर जाएगा। देखो गाइस यहाँ की कंडीशन ना कभी ठीक ही नहीं हो सकती पांग से निकलने के बाद में। यार यहाँ बाइक से भी आते ना तो पेट की ना ऐसी मालिश हो जाती है ना, क्या बताऊँ मैं, आवत ऑलरेडी सारी इधर उधर हो जाती सब ठीक। वो इनोवा जा रही है अभी, हमने उसको पकड़ना है चारों से ओवरटेक करके, अभी पता नहीं देंगे नहीं देंगे साइड। देखो रास्ता बिल्कुल ही ऐसा है खराब, अब शॉर्टकट है, शॉर्टकट है उसके, कुछ नहीं बची थी अगले अकेला गया, अरे भी गुजर था पीछे से हमने ओवरटेक किया था। हां वो भी चला जा रहा है, कोई 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 वो देखो शॉर्टकट से लेके जा रहा है, पहुंच गया वो तो, अरे ले गया भाई, बाबर है वो खेल देते हैं, हमारी रुक जाती तो क्या करते हैं, उसके पीछे कोई नहीं है। यहां से अभी 55 किलोमीटर सच्चू लेफ्ट है गाइस, और गैस करो पता क्या, बर्फबारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरे को लग रहा है दिल्ली में भी बर्फ गिरेगी हमारे को, दिल्ली में बर्फ गिरती ही मिलेगी। जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पे बर्फ, मतलब यार इतनी बर्फ का तो मैंने इमेजिन नहीं किया था यार, मतलब पहले इस वाले रोड पे तो कोई मेरे को मिली नहीं, लेकिन पीछे बैठने वाले तीन बंदे ना इनको क्या है बर्फ नहीं देखी थी, लेकिन इस बार इनको इतनी बर्फ मिल गई कि अब ये फ्रिज भी खोलेंगे ना, मतलब फ्रिज का फ्रीजर भी खोलेंगे तो कहेंगे यार बंद कर दो भाई स्नोबॉल चालू ना हो जाए। इतना मुझे मैं तो पहले वैसे मुझे बारह लाचा में मिलेगी बर्फ हमारे को, लेकिन गिरती मिलेगी डेफिनेटली श्योर सकता मैं, लेकिन हाँ वो दीवारें जरूर मिलेंगी, वो जो बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची भी वो वॉल बन जाती है ना वो जरूर मिलेगी। आज जो हमारे साथ हुआ गाइस वो पांगलांगला पर लोग यूज टू नहीं हो, तो इसलिए आप सिलेंडर जरूर कैरी करना, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, अकेले भी आ रहे हो पहली बार आ रहे हो तो भी आप रख लेना, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है सिचुएशन का, ठीक है, कि कितना देर रुकना पड़ जाए कितना देर नहीं रुकना पड़ जाए। पहले 2 घंटे हम जाम में फंसे रहे, फिर 2 घंटे हम ऊपर फंसे रहे तांगलांगला से पहले, तो वही बात है सब चीज का सोच करके चलना पड़ता है। ये देखो कितना खराब, कितना ही खराब रोड है,
बिल्कुल ही ऑफ रोड इंटीरियर ऑफ रोड अरे आप कह रहे थे नहीं आ रहा कोई वो जब निकलेंगे जब चलेगा खराब है तो ड्राइवर पंचर हो रखा है चार घंटे एक पास के इधर रुकना ना बहुत बड़ी बात होती है गाइस इतनी एल्टीट्यूड पे एक नॉर्मल इंसान जो मतलब बेस से आए हैं जो दिल्ली से आपको भी पता दिल्ली का ग्राउंड लेवल कितना कम है ठीक है मतलब हम तो वाटर लेवल के आसपास मतलब समुद्र लेवल के आसपास से हम आए हैं ठीक है लाचुंगला आएगा लाचुंगला आ गया तो वही ये सब है आप लोग ऑप्शन जरूर कैरी करना एक्चुअली हमारे को ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमारे फैमिली थी हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई हम पापा जी और मैंने अपना सोच के हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया ही नहीं कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती तो किसी को भी नहीं होगी खैर प्रॉब्लम भी भगवान का शुगर है कि प्रॉब्लम हुई भी नहीं एक्चुअली प्रोग्राम हमारा एकदम से बना क्योंकि हमारे साथ आने वाले बहुत सारे जने थे हमारे साथ आने वाले बहुत सारी फैमिलियाँ थी जो हमारे साथ हर बार बाइक पे आते ना वो अब इस बार अपनी फैमिलीज को लेके आने के चक्कर में थे लेकिन वो ये ई पास ई पास वगैरह और ई पास वगैरह और ये सब चीज़ों का लाचुंगला पास पे हम आ चुके हैं गाइस 16,616 फीट पे तो हम बहुत सारी फैमिलीज आ रही थी हर इस बार हर कोई कार से ही प्लान बना रहा था लेकिन क्या हुआ किसी को ई पास की जरूरत है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट यहाँ श्रीनगर सॉरी जेएनके में वो जो वो कर रहे थे टेस्ट वगैरह वो क्या हिसाब से कर रहे थे 96 आवर्स का जो सब चल रहा था उसमें भसड़ मच गई उस हिसाब से ना सबका प्लान नहीं बन पाया आनाकानी होते होते लास्ट में हम ही उठ के आए अकेले बड़ी हिम्मत कर गए हम अकेले होते तो यार छड़े छड़े होते तो बाइक पे आ जाते लेकिन पूरी फैमिली को लाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ऐसे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग और ऐसे लेवल पे लाने का ना क्योंकि हम तो सहन कर जाते हैं लेकिन अब किसी को फैमिली से कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करेगा इंसान टैनी अगर तुम्हारी सांस नहीं आती ना जैसे आपको सांस नहीं आ रही थी सो गया था तो तुम नींद नहीं बेहोश हो जाता बंदा बेहोश तो बेहोश मैं तेरे को इसको यही बोल रहा था इधर उधर मेरा सर है जो फट रहा था ना पर डायमॉक्स ने अपना काम पूरा कर भाई थोड़ी देर और रुकते ना तो भाई मेरा नहीं पता मेरा क्या होता ये देख लो गाइस गड्ढे लाचुंग लाया था ना देख रहे हो रास्ता देख रहे हो रास्ते बहुत खतरनाक है पांग से आ गए हैं विस्की नाला ये सामने देख रहे हो ये विस्की नाला हुआ करता था जो कि यहाँ से बहता रहता था और यहाँ पर हुआ करते थे टेंट वगैरह अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे 101% विस्की नाला है अब यहाँ कुछ भी नहीं है टेंट ना सेंट कुछ भी नहीं है ना टेंट ना सेंट कुछ नहीं है भाई यहाँ खाने का ढाबा वगैरह थे रुकने का भी था यहाँ पर कि भाई बंदा रात में लेट हो गया था रुक सकता तो कोई है ही नहीं मतलब अब तो डायरेक्ट सीधा भाई या तो किलोंग मारो या सरजू मारो 2018 में मैं यहीं रुका था ये ऑफ रोडिंग ना बहुत खतरनाक लेवल वाली थी यार अब यहाँ से ये ख़त्म होएगा तो बारह लाचा आएगा बारह लाचा के बाद फिर होगा नॉर्मल रोड अब देख लो आप लोग ही आना चाहते हो नहीं आना चाहते मजा आ रहा है आओ तो सही अगर सर्किट पूरा करना चाहते हो ना तो मजा आएगा अगर आप जेएनके से आके जेएनके से ही वापस जाओगे ना तो इतना खास मजा नहीं आएगा ये देखो देख लो भाई तो गहरी गहरी गड्ढी हो रही है काट तो पूरी इधर काटो अपनी साइड हाँ
देख रहे हो मैं पूरा असिस्ट करके, मेरे को पूरा असिस्ट करके चलना पड़ता है क्योंकि मेरे को इधर की चीज़ दिखाई दे रही है तो पापा जी को उधर की पूरी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो देखना पड़ता है ना कहाँ से पूरी चाल बनानी है। पूरा सर्किट कवर करना चाहते हो ना ले से, मतलब पूरा सर्किट जो है ये दिल्ली से ले, ले से मनाली, दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से ले, ले से मनाली वाले सर्किट पूरा करना चाहते हो तो भाई ये तुम्हारे को झेलना पड़ेगा। अगर तुम्हारे को रोड ख़राब चाहिए खाली तो फिर तुम जे एंड के वाले रास्ता चूज़ कर सकते हो, उसमें इतना खतरनाक लेवल की ऑफ रोडिंग सब चीज़ें नहीं आती। भाई हमें तो इसमें मज़ा आता है तो हम इस यहीं से आते हैं, वो यहीं से जाते हैं और आते वहाँ से श्रीनगर से। हमने इनोवा को ग्रैब कर लिया, हमने कहा था कि उनको ओवरटेक करके इनोवा पकड़ते हैं, इनोवा हमसे पौधा की चली थी, पकड़ लिया हमने। ये इनोवा का टायर ब्लास्ट हो गया था, ये इसलिए ले जाना पड़ा, नहीं करूँ मैं रुकते ये भी। हेलो भाई, दोबारा स्वागत है आपका गड्ढो में। फिर भी आज हम अपना बेस्ट देंगे, बहुत गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे। इतना तो है कि हिमाचल तो पार कर ही लेंगे, मतलब जे एंड के तो क्रॉस कर ही लेंगे, हिमाचल में तो लगानी लगानी है गाड़ी, हिमाचल में तो वैसे भी लग जाएगी सरचू क्रॉस करने के बाद। तो हमारा कहने का तात्पर्य है सरचू से आगे जाने की कोशिश करेंगे। हाँ जैसे तू रोज स्टार्टिंग करता है ब्लॉग की आज यहाँ से गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले, अच्छे से गुड मॉर्निंग फ्रॉम गड्ढे, पीछे ट्रक निकल जाएंगे आगे, फिर हम को साइड में देनी पड़ेगी। अब हम इतनी मशक्कत करके ऊपर आए हैं तो भाई ट्रक को आगे मत निकालो, वो देते भी नहीं है ना साइड से, तो ढलान आ गई। अब 12 लाचा ही फेस करना पड़ेगा, हम सरचू के बाद आएगा ना 12 लाचा। हाँ शुरुआत हो चुकी, ये ना 21 हेयर पिन बैंड्स हैं, ये काटा लूप्स में पूरे, मतलब 21 कर्व्स ऐसे 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 जाके 21 कर्व हैं पूरे। सरचू से पहले पड़ता ये तो भूल ही गए थे हम, ये एकदम से कैमरा ऑन करना पड़ा। अरे यहाँ पर ना एक वो है, यहाँ पर इतनी तगड़ी स्नोफॉल हुई थी, ठीक है, ट्रक ड्राइवर था और उसके साथ पैसेंजर गया हेल्पर, वो थे दोनों के दोनों, ठीक है। मैं गाइस आपको ही बता रहा हूँ तो सुन लेना, तो वो दोनों थे, ठीक है। तो एक कर्व जो सुना है मैंने भी, हाँ मैंने भी जो सुना है वही बता रहा हूँ, जो एक कर्व आता है, ठीक है भाई, वहाँ पर वो लोग फंस जाता ट्रक उनका, इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो उसका ड्राइवर क्या करता है कि मैं जाता हूँ नीचे, तू ट्रक में आग जला के मतलब खाना वाना बना और मतलब सही करके बैठ, मतलब ठंड मत लगने दियो, आराम से बैठ, मैं कहीं से हेल्प लेके आता हूं, मैं कहीं से हेल्प मांग के लाता हूं। अब भाई वो चले जाता है और बर्फबारी कुछ इस तरीके की हो जाती है, उसके बाद पानी नहीं होता पीने के लिए, यहीं पे बेचारा मर जाता है वो, तो प्यास से मर जाता है वो उस, क्योंकि फिर उसका बाहर बर्फ भी खा सकता था, ठीक है, लेकिन कितना खाता बर्फ में, जब पूरी ट्रक पूरा फंस गया था ना तब वो बाहर नहीं निकल पाया था, देन उसकी डेथ हो गई थी इस वजह से। अब जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ मैं, और उसी की आत्मा की शांति के लिए पानी की बोतल्स यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा उस पॉइंट को, ऊपर ट्रक आ रहे हैं ना, ये ऐसे पूरे नीचे तक जा रहे हैं, अब पता नहीं वो बोतल्स वगैरह डाल करके जाते हैं नहीं डालते जाते, लेकिन जब 2019 अगर कोई ड्रग ड्राइवर फंस रहा है या कोई भी है तो उनको अगर उनके पास पानी नहीं है तो वो यहाँ से ले सकते हैं, ये है ना, ये भी अच्छी बात है, अच्छी हो जाएगी। ट्रक ड्राइवर क्या यहाँ पर कोई भी अननेसेसरीली किसी को भी जरूरत पड़ रही है वो यहाँ से ले, तो यहाँ से ले सकता है वो, या अगर इस रास्ते से जा रहा है तो, ठीक है। फंस गया बंदा तो ले सकता है कम से कम, ये देखो गाइस प्यासा तो नहीं मरेगा वो,
तो रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो है लेके ये तो भाई तैयार हो रहा रोटी राटी खाने के लिए। रोटी बनाएंगे अभी तो इधर रोटी राटी पकेगी नहीं वो क्या होता तैयार तैयार लेके आए सिलेंडर रखते नीचे। काटा लूप्स कब खराब हुआ है तो 2 साल में तो इनको और बल्कि और अच्छा कर देना चाहिए था। 19 में था अच्छा तो दे अब तो 21 हो रहा है। सरचू नहीं आके दे रहा है हमारा रास्ता ही ऐसा आ गया ये रास्ता ऐसा है ना जी दुखी हो गया है। अब बज गए 6:16 पर अभी हम सरचू नहीं पहुंचे यार। अगर हमारे 4 घंटे वहाँ वेस्ट नहीं हुए होते ना तो हम डिसाइड करके मनाली वाले रास्ते पे होते। गाइस यार सरचू का रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका पहले से। इतना तो कभी नहीं देखा खराब रास्ता सरचू का। देख रहे हो कैसा मैदानी सा रास्ता बना कच्चा रास्ता एकदम मिट्टी अलग उड़ रही है ट्रक वाले अलग उड़ा रहे हैं। सरचू नहीं आके दे रहा आज डेढ़ घंटा से सारा हो गया 10 किलोमीटर से कम नहीं हो गया तेरा सरचू 10, 9, 8 मनाली का रास्ता कम हो गया भाई 350 से 340 हो गया वो लेकिन सरचू खत्म नहीं हो गया तेरा 240 हाँ सॉरी 240 आई एम सॉरी भाई साहब। इस बार अगर मोटरसाइकिल या उस पर आ रहे होते ना हिमालयन पे बहुत गंदे वाला है ऑफ रोडिंग होती है हमारी जैकेट होती है ना हमारी वो ब्लैक से ना वाइट हो चुकी होती। देखो रोड वहाँ से था सारा खोद के पटक रखा साइड में नया रोड बनाने के लिए क्योंकि नया रोड चौड़ा करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग मेरे ख्याल से कोशिश नहीं चौड़ा रोड बना रहे हैं। ये देखो भाई सरचू पहुंचने से पहले ना हमारे साथ कितना ही ऑफ रोडिंग का खेल हो रहा है इधर खेल उधर खेल इधर मिट्टी मिट्टी उड़ रही है ठीक है। और ऊपर से ट्रक वाले चल रहे हैं ना ये ट्रक वाले चल रहे हैं ना बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ा रहे हैं आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई पापा कह रहे थे इनकी नवा करते नहीं अब ले लो ये तो गेट लेना है ये तो कहीं से भी आ रहे हैं कहीं से भी जा रहे हैं ट्रक तो कहीं मचा दिया ट्रक वाला क्या है भाई चार से दिखा आप ही निकालो सीधी गैस के बीच में आतंक को मचा दिया ना थोड़ा यहां तो निकल आ जाए। अबे कहां से कहां से लेके जा रहे हो भाई हम भी तो है देख वो आ रहा सरचू वो सरचू है वो सरचू वो वाइट टेंट लगेगा ना वो सरचू बोलने में सांस चढ़ गई मेरे तो यहाँ पे ये भी गलत आएगा छोड़ उसको। सो गाइस फाइनली वी हैव एंटर्ड इन सरचू आफ्टर सो लॉन्ग मुश्किलें और ऑफ रोडिंग के बाद हम सरचू पहुंच ही गए भाई। सरचू को सर्च करते करते हमारे को 7:30 बज गए बहुत लेट सरचू भाई। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपना ई पास चेक करवाने मतलब यहाँ पर हमारे को सब कुछ करवाना पड़ता है ना ई पास दिखाना पड़ेगा और एंट्री करानी पड़ती है अपनी गाड़ी की क्या नंबर है कहाँ से आए हो कहाँ जा रहे हो वो सब। तो अभी हम ई पास वगैरह की एंट्री करा दी हाँ एंट्री करवाई है ठीक है और यहाँ पर एंट्री करके हम आगे निकल गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था ट्रकों का और एक नया ब्रिज बन रहा है किया। सो गाइस इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर टू एंजॉय। अभी थोड़ा सा इसका मजा ले लो फिर मैं खत्म करता हूँ व्लॉग को पुल का। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर टू एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।